दतिया नवरात्रि महोत्सव को लेकर कलेक्टर व एसपी प्रशासनिक अमले के साथ मां रतनगढ़ के दरबार में पहुंची, जहां कलेक्टर व एसपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया, इंद्रगढ़ सेवड़ा बहुरामपुरा मार्ग की तरफ से आने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा, यह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालु के लिए मां रतनगढ़ के धाम पहुंचने के लिए डबरा वाला मार्ग चालू रहेगा। आपको बता दें कि सिंध नदी में बाढ़ आने के कारण पुल टूट गया है। पुल के टूटने पर लोग नाव से आगमन कर रहे हैं, जो खतरे से भरा हुआ है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया। जो पारंपरिक रास्ता था बसई मलिक होते हुए श्रद्धालु आते थे, उसमें जितना एंट्रेंस पॉइंट है उस पर हम बैरिकेडिंग करा करके बंद करेंगे। वहाँ हमारा मैन पावर भी डिप्लॉय रहेगा। नदी के आसपास हम होमगार्ड के जवान लगाएंगे, साइन बोर्ड्स भी लगाएंगे कि इस नदी में मगरमच्छ भी है, उसको पार करना खतरे से खाली नहीं है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कोई भी व्यक्ति उस नदी में प्रवेश अवैध रूप से न। इनकी देखिए जगह जगह पिछली बार हमने 35 पार्किंग बनाई थी। लगभग 5-6 किलोमीटर पहले पार्किंग बनाना शुरू करते हैं। जब पहली पार्किंग भर जाती है तो उसके पीछे की जो पार्किंग है उसमें शुरू कर देते हैं। तो पूरा विस्तृत एक रूट चार्ट बनाया जाएगा आसपास के सारे जिलों का, और वो समय रहते हैं मीडिया के माध्यम से हम सभी लोगों को सूचित कर देंगे। इधर से किसी को नहीं आने देंगे, कोई कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटेंगे, क्योंकि नदी में पैदल या नाव के सहारे आना खतरे से खाली नहीं है। एक तो नदी में पानी किसी भी समय जो है वो कोई डैम वैम से पानी आ जाए, एक बार ऑलरेडी हादसा हो चुका है। मगरमच्छ काफ़ी है नदी में, किसी को मगरमच्छ खा जाए तो ये रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेंगे, इस रूट से कोई आवक जावक नहीं है। जिसको भी आना है, भले वो बाजू में जो है वो बसई मलिक का ही आदमी क्यों ना हो, बसई मलिक के आदमी को भी जो है वो सेवड़ा लहार होकर के ही घूमते ही आना पड़ेगा या डबरा से आना पड़ेगा, वो डायरेक्ट नहीं आ सकता, आएगा उसको सख्ती से निकल। दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट।